हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपारेशन चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सो so ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एंड स्पेशली जो आसम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा टू टू जिसमें ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर का पोस्ट है और ये इसी महीने के ट्वेंटी फर्स्ट एंड ट्वेंटी एट को होगा जैसे ग्रेड थ्री ट्वेंटी एट को और ग्रेड फोर ट्वेंटी फर्स्ट अगस्त को होगा सो so, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और हम लोग ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड किया था मेरे जो ट्यूशन ग्रुप में सो so, आप लोग में से किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैं लिंक दे दूँगा सो so, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा स्पीड में कर लेंगे क्योंकि इस पी के एट द एंड मतलब इसका आंसर सो बहुत ज़्यादा मैसेव हो जाता है सो मैं अभी आंसर बोल देता हूँ आप सबको आप लोग ध्यान से कहीं पे लिख लेना या दो तीन बार सुन लेना सो क्विकली करेंगे हम लोग ये क्विक रिवीजन टेस्ट ये ध्यान रखना सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पेल्यूलिथ इन इंडिया जो क्रेडिट है डिस्कवरी करने के लिए मतलब आविष्कार करने के लिए फर्स्ट पेल्युल इन इंडिया हुई ओपन द फील्ड ऑफ द प्री हिस्ट्रिक स्टडीज इन द कंट्री गोज़ टू सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुरकीत ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर टू ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट होगा मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आप सब देख लेना क्योंकि एग्जाम में क्या कुछ क्या क्वेश्चन आ सकता है ये हम लोगों को पता नहीं है सो आप लोग एक बार सुन लेना क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द रिमेन्स ऑफ द पेलियोलिथिक मैसोलैथिक एंड न्योलैथिक कल्चर हैव बीन फाउंड इन ए सीक्वेंस सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, कौन से जगह पे या कौन से रीजन पे मतलब पेलियोलिथिक मैस्योलैथिक एंड न्योलैथिक कल्चर पाया गया सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कृष्णा वैली ध्यान रखना कृष्णा वैली में थीनो पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज मैसेथिक मतलब मिडिल स्टोन एज और न्योलैथिक मतलब न्यू स्टोन एज सो इसका तीनों का जो फुटप्रिंट मिला कहाँ पे मिला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कृष्णा वैली पे ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर थ्री इन हुइच इंडियन स्टेट द इनाम गाँव इज लोकेटेड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर फोर ए होमियो एरेक्टास स्काल वॉज फाउंड एट वन सॉरी एट वन ऑफ द फॉलोइंग साइट कहाँ पे मिला होमो एरेक्टासकाल सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हंतोरा इन नर्मदा वैली हंतोरा इन नर्मदा वैली ध्यान रखना या कह सकते हैं हम लोग हथोरा इन नर्मदा वैली सो so, जैसा भी स्पेलिंग हो आप लोग ध्यान रखना ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फाइव द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑप्टेन फ्रॉम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बुढ़जाम ध्यान रखना ये एंशेंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है सो so, आप लोग एक बार देख लेना इससे भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पेलियोलैथिक टूल इन इंडिया वॉज ओरिजिनली सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पेलियो सॉरी पेलेको बोटानिस्ट ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर सेवन हुइच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर द प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग नीचे दिया गया कौन सा साइट फेमस है प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग के लिए सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अचंता क्वेश्चन नंबर एट डॉग्स वेयर भारी इन ह्यूमन बारियल सेट डॉग कहाँ पर मतलब दफनाया जाता था ह्यूमन बारियल के साथ ह्यूमन बॉडी जो आ, हम लोग बारी करते हैं या मतलब नीचे आ, रखते हैं कब्रिस्तान में बोल सकते हैं या नीचे जो बारीट करते हैं मिट्टी के नीचे तो उसी के साथ डॉग्स भी बारिड किया जाता है सो so, कहाँ पे सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मार्टन मार्टन कहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन यश माउंट आर रिलेटेड टू द न्योलैथिक कल्चर सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कश्मीर वैली ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर टेन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम लोग एन अपर पेलियोलैथिक मदर गोडेज मेड ए बोन हैज बीन ऑप्टेन फ्रॉम सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी नर्मदा वैली क्वेश्चन नंबर इलेवन हु एमंग द फॉलोइंग कल्चर द फर्स्ट टू पेंट देयर आर सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मैसोलैथिक ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हुई वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ बीन बीनडेड द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द न्योलैथिक टू हरप्पन पीरियड सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अमरी क्वेश्चन नंबर थर्टीन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टिवेशन इन द गंगा वैली हैज़ बीन फाउंड सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कौसुम्बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन

म्यूजियम हैज़ बिन क्वाइंड बाय सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी चिल्डे सो इसके सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच इस वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू